नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पवन पांडे जी एक समाज सेवी के तौर पर हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं, जिसकी सराहना कई बड़े नेता कर चुके हैं। आम जनता के बीच पहुंचकर वो लगातार उनके लिए काम करते रहे हैं, इसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं अब पवन पांडे जी ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से शिष्टाचार भेंट की है और कई सामाजिक विषयों पर बातचीत की। कानपुर में पिछले कई दिनों से नजीराबाद थाना क्षेत्र में मकान को लेकर चल रहे मामले में एक नया मोड़ आया है, जब अवैध कब्जेदार बताई जा रही बहू ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि नजीराबाद क्षेत्र में पिछले दिनों संतोष शुक्ला ने अपनी मकान की बिक्री कर दी थी और खरीदार रविंद्र सिंह भाटिया और हेमप्रीत भाटिया ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर संतोष शुक्ला की बहू पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। संतोष शुक्ला की बहू कंचन शुक्ला ने बताया कि मकान की बिक्री 2,03,00,000 में हुई थी। इस मकान को बिना उनकी जानकारी में आए सासन नंदोई ने मिलकर बेच दिया। उसमें उसका भी पूरा हक है और पति की मौत हो जाने के बाद वो इस मकान में साझेदार है, लेकिन सास ने उसे मात्र 84,00,000 रुपए में मकान की बिक्री होने की जानकारी दी। नए मकान मालिक के रूप में आए रविंद्र सिंह भाटिया ने उसके कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवरात अन्य सामान चोरी कर लिए। मकान में अभी भी उसका कब्जा है और ये लोग जबरन उस मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। बहु कंचन शुक्ला ने मकान की रजिस्ट्री को रद्द करने की मांग करते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिया है। दिनों से भटक रही हूँ, मुझे कोई भी साथ नहीं दे रहा था। आज सीपी सर ने आश्वासन दिया है कि कोई भी पुलिस या कोई भी हमको परेशान नहीं करेगा जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है। हमें उनके आदेश पे, उनके आश्वासन पर विश्वास है, हमारे साथ पूर्ण न्याय होगा। ये कितने दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं? हम 4 महीने से घूम रहे हैं, फरवरी से, जब 4 जनवरी को मेरे हस्बैंड मरे हैं उसकी तेरहवीं के बाद से हम आ गए हैं, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हम भटक रहे हैं इधर उधर। आज सीपी सर ने आश्वासन दिया है कि कोई भी हमको परेशान नहीं करेगा। फिरोजाबाद पुलिस और पशु चोर गैंग में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग के वो घायल हो गए हैं। वही पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में इलाज कराने के बाद जेल भेज दिया और बाकी बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 20 जून 2023 की रात को थाना नसीरपुर क्षेत्र के गांव नगला गिरधारी में भैंस चोर गिरोह द्वारा 2 भैंसों को मैक्स पिकअप गाड़ी से चोरी कर भाग रहे थे। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन बदमाश मैक्स पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। देर रात मुखबिर की सूचना पर थाना नसीरपुर और नगला खंगार पुलिस ने गुंडा अंडरपास लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड पर बदमाशों की घेराबंदी की, तो बदमाशों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों आशीष और अखिलेश नामक बदमाश के पैर में 3 गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। अवगत कराना है कि 20 जून 2023 को थाना नसीरपुर के ग्राम नगला गिरधारी किठार गांव में 2 भैंस चोरी की घटनाएं हुई थी। सूचना मिलने पर थाना नसीरपुर पुलिस के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाश पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखकर मैक्स पिकअप और चोरी की हुई भैंसें छोड़कर मौके से भाग गए थे। आज मुखर के द्वारा सूचना मिली। मऊ में पुलिस ने अंतरजनपदीय सालवर गैंग को गिरफ्तार किया है। सालवर गैंग का सरगना सहित 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर गिरफ्तार हुए 67 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, जीपीएस, 2 माइक्रोफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलाहाबाद के सीएमओ की मुहर और 45 सादे चेक सहित 1,50,000 रुपए बरामद किया गया है इनके पास से। काफी दिनों से सालवर गैंग की पुलिस को तलाश थी। मऊ, जौनपुर सहित कई जनपदों के रहने वाले सालवर गैंग बताए जा रहे हैं। कोतवाल संजय त्रिपाठी सहित एसओजी की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के भैसंडा बोर्ड के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। काफी समय से इनकी तलाश की जा रही थी। सॉल्वर गैंग पूरी तरह से सक्रिय था, इनके पास से तमाम चीजें बरामद हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में जनपद मऊ पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 28 जून 2023 को थाने के टीम प्रभारी श्री संजय कुमार त्रिपाठी और एसओजी प्रभारी अमित कुमार मिश्रा।
वहीं पीलीभीत जनपद के सेरामऊ थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर उर्फ लाह में बुधवार को दरवाजा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद लगभग एक दर्जन लोगों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा है। पिटाई से सुशीला देवी पत्नी हरिरामपुर, सरोजनी देवी और तमाम महिलाएं घायल हो गई हैं। घायल महिलाओं को इलाज के लिए पूरनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। महिलाओं ने गाँव के ही रहने वाले होरीलाल, तेजराम, राम नरेश, उपदेश त्रिपाल, नेतपाल, सुमन देवी, कांति देवी, साजन, प्रहलाद सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल थाने में तहरीर दे दी गई है, जिसके आधार पर जांच के बाद पुलिस कह रही है। हरदोई में सारणी थाना क्षेत्र के कटरा बिलौर हाईवे पर बरोलिया गांव के पास गर्रा पुल का अप्रोच अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। मामले की खबर मिलते ही लोक निर्माण विभाग और तहसील के आलाधिकारी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद दोनों तरफ से रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। सारणी थाना क्षेत्र के कटरा बिलौर हाईवे पर बरौलिंग गाँव के पास लगभग 5 दशक पहले गर्रा पुल का अप्रोच अचानक धस गया है, जो कि 5 दशक पहले बना था। हालांकि भारी वाहनों के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुमित कुमार, अवर अभियंता पंकज कुमार, उप जिलाधिकारी सवाईपुर, नायब तहसीलदार हरपालपुर, सांडी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद पुल के दोनों तरफ जेसीबी लगवाकर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को पुल के पास आकर वापस जाना पड़े। इस मामले पर ऑफ कैमरा अधिशासी अभियंता ने बताया कि गुरुवार को एक्सपर्ट को बुलाया गया है। वहीं मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी गई है। दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी से गुजरात के साणद में 7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। 16 करोड़ रुपए से प्लांट लगाया जाएगा। सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग, एटीएमपी सुविधाओं के माध्यम से लगभग 20,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की जाएंगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला निर्माण की ऊंची उड़ान के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा की गई है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेमीफ्रोन इंडिया कार्यक्रम में एक नया कदम है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विनिर्माण क्षेत्र में उच्च स्तर पर ले जाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान इस कार्यक्रम को और गति देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा एक महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग एटीएमपी सुविधा की स्थापना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राज्य अमेरिका की सफल यात्रा के परिणाम स्वरूप माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका में 7 अरब रुपए का निवेश किया है। आपको बता दें कि ये एटीएमपी सुविधा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ गुजरात के साणंद में शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को देश के 17 राज्यों में राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल बनासकांठा जिले के दांता तालुक में कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के 14 जिलों में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। आजादी का स्वर्ण युग यानी कि साल 1947 तक देश से स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य है। देश में शून्य से 40 साल की उम्र के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच होगी। साल 2006 में स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए अभियान शुरू करने वाला गुजरात पूरे देश में पहला राज्य था। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गुजरात को 2011 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिल चुका है। गुजरात में अब तक लगभग 97 लाख आदिवासी लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7.11 लाख से ज्यादा स्किल सेल लक्षण, 31,000 से ज्यादा स्किल सेल रोगों की खोज की गई है, उनका इलाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रव्यापी स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से पूरे देश को संबोधित भी करने वाले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल बनासकांठा जिले के दांता तालुक के मोटासाद गांव के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पुनावली कला गांव का रहने वाला एवरन अहियार, जो कि 44 साल का है, वो अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहकर मेहनत मजदूरी करता था। सुबह
वो घर से बाहर गया अपनी मोटरसाइकिल के जरिए मजदूरी की कहकर और 24 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल सका। युवक का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद घर में इसकी पत्नी और दो बच्चे भी हैं, सभी परेशान हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अभी भी खोजबीन कर रहे हैं, 24 घंटे के बाद भी मजदूर का कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या नाम भैया आपका? सत्यन कुमार नाम है। अच्छा सत्यन जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे चाचा जी रोज की तरह काम पे जाते थे और कल इसी तरह काम पे गए हैं। सुबह पानी बारिश हो रही थी 10-11 बजे, तो बारिश रुकने के बाद नहा धो के खाना खा के निकले हैं। बताए गए हैं कि भाई हम काम पे जा रहे हैं, तो शाम को घर नहीं लौटे। हर साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मौत की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता दंड अभिषेक मिश्र, विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मुदुल मित्र और वादी अधिवक्ता शंकर शर्मा ने दोषी को मृत्युदंड दिए जाने की प्रार्थना की थी। जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक उसे लटकाया जाए फांसी के फंदे पर। जज, पुरुषों की उत्पत्ति ही महिलाओं से होती है, दोषी का कृत्य पशुओं से भी ज्यादा निंदनीय है, ये पॉइंट रखे गए थे। लड़कियां खुद खुले में नहीं घूम सकती तो फिर उसके लिए कौन सा स्थान है? आपको बता दें कि यहाँ पर ये तमाम पॉइंट्स रखे गए हैं जिसके बाद आखिरकार अपराधी को मौत की सजा सुनाई गई है। थाना याना क्षेत्र अंतर्गत 25 मार्च 2023 को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें लगभग 8 बजे करीब एक सूचना महमूदपुर गांव से थाना याना पर प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय नाबालिग बच्ची जो अपने ही गांव में अपने घर के पास बकरियां चरा रही थी, उसको आखिरी बार 4 बजे देखा गया था और वो अब तक घर नहीं आई है। मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग के चलते युवती की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्यूटी पार्लर से वापस लौटते समय इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 साल पहले युवती ने प्रेम विवाह किया था। मृतका के देवर ने मृतका के भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। क्षेत्र में ऑनर किलिंग से हड़कंप मच गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गाँव अलीपुर अट्रेना में हुआ है, जहां पर 2 साल पहले गांव की एक युवती फरहाना ने गांव के ही एक युवक शाहिद से प्रेम विवाह कर लिया था, जिससे मृतका के परिजन नाराज चल रहे थे। पुलिस द्वारा लगातार प्रेमी जोड़ों को हिदायत देते हुए गांव में न आने की भी सलाह दी गई थी। वहीं मृतका फरहाना ब्यूटी पार्लर से वापस लौट रही थी, तभी मृतका के भाइयों ने गांव में ही चौराहे पर सरेआम उसे गोलियों से भून दिया और अपनी बहन की निर्मम हत्या कर दी। वहीं मृतका के देवर ने मृतका के भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्राधिकारी विनय गौतम भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के देवर ने बताया कि उसकी भाभी ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी, भाभी के भाइयों ने चौराहे पर उसकी भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका ने उसके भाई से 2 साल पहले शादी की थी, जिससे परिवार नाराज चल रहा था और पहले ही आगाह किया था कि अगर आप गांव में दिखते हैं तो आपको मार दिया जाएगा, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। फरुखाबाद के पुराने ईदगाह में नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि ईद उल अज़हा की यहाँ पर नमाज अदा की गई है। DMSP, STMCO, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। ईद को त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट पर पुलिस नजर आ रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नमाजियों से भी अपील की गई थी। आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील लोगों से की गई। फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में पुराने ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। कानपुर में बड़ी ईदगाह में बकरीद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की गई और सभी को मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात कही गई है। जगह जगह कानपुर में CCTV कैमरे लगाने पर साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस कमिश्नर VP जोगदंड ने बताया कि बकरीद के मौके पर पूर्व में जिला समिति की बैठक हो चुकी है, थानावार PAC कमेटी की बैठकें की गई। सभी बैठकों में त्यौहार में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए रखने का जोर दिया गया है। सभी ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, साथ ही कुर्बानी परंपरागत तरीके से दी जाएगी, लेकिन नई जगह कोई ऐसी शामिल नहीं होगी। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए, और ऐसी तस्वीरें देखी भी जा रही हैं, कुर्बानी खुले स्थान पर नहीं हो रही है, बंद स्थानों पर की जा रही है। कमिश्नर जोगदंड ने बताया कि बकरीद के पर्व पर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए लगातार रूट मार्च किए जा रहे हैं, जिससे त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाया जा सके और अराजक तत्वों से पुलिस पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। चाक चौबंद व्यवस्था है, मोबाइल पार्टियों को भी रवाना किया गया है। बकरीद के त्यौहार को लेकर जो कमिश्नरेट स्तर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिला स्तरीय पुलिस कमेटी की बैठक करी थी, जिसमें यहाँ के जितने ईदगाह हैं और जितनी इम्पोर्टेंट मस्जिदें हैं उन सभी के इमाम
मोतवली और काजी जी और कुछ संभ्रांत व्यक्ति इस शहर के, उन्होंने प्रतिभाग किया था। हरदोई में हर्षोल्लास के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। जिले भर की ईदगाहों में हजारों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की, हाथ उठाकर जनपद और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। SP राजेश द्विवेदी ने शहर और शाहबाद में कई स्थानों पर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। वही झांसी प्रेमनगर ईदगाह में भी ईद उल अज़हा के मौके पर ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर हाफिज हसनैन के द्वारा ईद की नमाज पढ़ाई गई। हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गई। हाफिज हसनैन के द्वारा सभी से अपील की गई कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर जो सरकार के द्वारा किया गया है उसकी कुर्बानी ना करें। इसके अलावा कुर्बानी की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना किए जाएं। योगी सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। रायबरेली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में जहां एक तरफ अंतर जनपद बदमाशों को गोली लगी तो वहीं 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला किरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेमरी गांव के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी सामने से आ रही टाटा सुमो गाड़ी को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। गाड़ी लेकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन सभी बदमाश गाड़ी छोड़कर जंगल में भागते समय पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जिससे वो गिर पड़ा। जंगल को चारों तरफ से घेरकर पुलिस से भाग रहे 3 अन्य बदमाशों को धर दबोचा है। इनके पास से तमाम चीजें बरामद कर ली गई हैं। आपको बता दें कि ये काफी समय से फरार चल रहे थे, पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी, इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, खीरो थाना क्षेत्र पर एक मुकदमा अपराध संख्या 240/23 चोरी का लिखा हुआ था, जिसमें विवेचना के दौरान हमारे 4 अभियुक्त वांछित पाए गए, जिनका नाम है सुनील गौड़, ब्रिज बिहारी, शेरू और श्रीकांत पटेल। ये इलाहाबाद क्षेत्र नैनी के रहने वाले हैं। वही अमेठी में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्यौहार शुरू हुआ। अमेठी के गांधी चौक से जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ नमाजियों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की, अमन चैन की दुआ मांगी है, एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हुए नजर आए। अमेठी पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहे, कड़ी नजर रही, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो इसको लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो सक्रिय नजर आए हैं। मौके पर SDM प्रीति तिवारी, CO ललन सिंह और अमेठी कोतवाल के प्रभारी निरीक्षक अरुण द्विवेदी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। क्या नाम है आपका? फैजान खान। आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है, क्या कुछ आपने मांगा है देश के लिए? देश के लिए, मुल्क के लिए अमन चैन शांति की दुआ मांगी गई है। देश जैसे खुशहाल था वैसे खुशहाली की दुआ मांगी है। हर साल की तरीका अमेठी में गंगा जमुना तहजीब जैसे बरकरार थी, उस तरीका ही बरकरार है। अमन चैन की दुआएं की गई, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के हम लोग जामा मस्जिद अमेठी से निकले हुए हैं। बुलंदशहर में ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद के त्यौहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया है। जो त्यौहार है वो सकुशल संपन्न कराया गया है। प्रशासन द्वारा जनपद के सभी ईदगाहों मस्जिदों पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था के साथ ही अन्य व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। मुख्यालय पर ईदगाह में शहर काजी मौलाना जैनुबाद्दीन द्वारा ईद की नमाज अदा कराई गई। DM चंद्रप्रकाश सिंह, SSP श्लोक कुमार सिंह ने नगर पालिका बुलंदशहर द्वारा बनाए गए कैंप में उपस्थित रहकर नमाज अदा करके वापस अपने घरों को जाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद पर्व की शुभकामनाएं दी। DM ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि ईद के पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलकर मनाएं। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज अदायगी के लिए की गई व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। हरदोई के बेटा गोकुल थाने इलाके के 8 दानपुर गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस खूनी संघर्ष में पिता और बेटे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घायलों ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोग जब वो खेत की जुताई कर रहे थे हाथों में फावड़ा लेकर आए, उनके ऊपर हमला कर दिया। हमले का लाइव वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। रायबरेली में जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक ईद उल अज़हा की नमाज जिले के सभी कस्बा सहित रायबरेली की शाही ईदगाह में अदा की गई है।
सभी लोगों ने नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी है। इस मौके पर ईदगाह परिसर में नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के साथ पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इलियास उर्फ मनी के साथ तमाम प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं ने सभी को गले लगाकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। रायबरेली शहरवासियों ने शांतिपुर आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील भी की है। अलीगढ़ में मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में पुजारी को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला किया गया। पुजारी को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं पुजारी को मरा हुआ समझकर हमलावर फरार हो गए। इस बीच पुजारी की नातिन ने गांव में शोर मचा दिया, हमलावर फरार हो गए। गांव के लोगों ने पुजारी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया, वहीं हालत गंभीर होने पर जीएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में थाना टप्पल में कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कर दी गई है। थाना टप्पल के जरतौली इलाके का एक पूरा मामला है। टप्पल इलाके के जरतौली में प्राचीन शिव मंदिर है, जहां पिछले 2 साल से हरियाणा के रहने वाले पुजारी गुरुदत्त शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुजारी गुरुदत्त मंदिर प्रांगण में आराम कर रहे थे, तभी तीन अज्ञात युवक आए, जान से मारने के नियत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। वह इस हमले से पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हमलावर धारदार हथियार तमंचे से लैस थे, वहीं पिटाई से पुजारी गुर्दा जमीन पर गिर गया। हमलावरों ने पुजारी को मरा हुआ समझ लिया। इस बीच पुजारी की नातिन योगिता ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है और शोर मचा दिया, लेकिन तब तक गांव वाले मौके पर पहुंचे तो तीनों हमलावर फरार हो चुके थे। वहीं फतेहपुर की फिरोजपुर बसंत खेड़ा स्थित कृष्णा इंटर कॉलेज में आयोजित मेधा अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्र पहुंचे, जहां उन्होंने मेधावियों को उत्साहवर्धन किया। नासा के वैज्ञानिक ने महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रेरणा से आजमगढ़ के छोटे से गांव पिकौली से निकलकर नासा तक के अपने सफर को बयां कर बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा कैलिफोर्निया के नासा कलेक्टेड की टीम का हिस्सा है और दुनिया के सबसे तेज लेजर शीट इमेजिंग तकनीक का आविष्कार कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आग की लपटों में मौजूदा नैनो पार्टिकल्स की स्टडी और 12.5 बिलियन फ्रेम प्रति सेकंड में हासिल होगा। मैं डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा जी, जो नासा में वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कैमरे को निजात किया है और एक ऐसे कैमरे को निजात किया है जो सूर्य की किरणों को भी अपने कैमरे में ले सकता है, उसकी भी फोटो बना सकते हैं। ये दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी है। और झांसी के मोड़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टांडा में देर रात सोते समय धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम टांडा निवासी भगौल आदिवासी बीती रात अपने मकान के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी धारदार हथियार से उसके कान के पीछे हमला कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। जब सुबह परिजनों ने देखा तो चारपाई के नीचे खून गिरा था, इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ललितपुर में हर्षोल्लास से ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया है। ईदगाह सहित बाकी मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। पानी बरसते में ही अदा की गई ईद की नमाज। नमाज के बाद अमन चैन की दुआएं मांगी गई हैं। देश में भाईचारा रहे, ऐसी दुआओं के साथ जो ईद का त्यौहार है उसकी शुरुआत हुई है। मस्जिदों के इमामों ने नमाज अदा कराई है, तो वहीं ईदगाह में शहर पेश इमाम हाफिज मुबीन साहब ने नमाज अदा कराई। वहीं गोरखपुर में भी मस्जिदों में सुबह ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। भारी संख्या में मस्जिदों में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करके देश में अमन चैन के साथ भाईचारे की दुआ मांगी है। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और सुविधा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के पुख्ता इंतजाम थे। चांद देखने के बाद से ईद उल अजहा का पर्व आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद जैसे मामले पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदायूं जिले में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पहले एक लड़के ने हिंदू समुदाय की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने पर
परिजन लड़की के साथ लड़के को एक होटल से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरा मामला जिले के कोतवाली शहर के एक मोहल्ले का है, जहां रहने वाले हिंदू समुदाय की लड़की को एक गैर हिंदू समुदाय के लड़के ने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। हालांकि उसकी शिकायत कर दी गई है, फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है। वही कासगंज में ईद उजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ईद उजहा के दिन तमाम अकीदमंदों ने समय अनुसार मस्जिदों में नमाज अता की। वहीं नमाज के बाद देश में अमन चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगी गई है। साथ ही मस्जिद के पेश इमामों ने साफ तौर पर ऐलान किया कि कुर्बानी को लेकर जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही कुर्बानी की जाए, किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो। वहीं बहराइच में भी इमाम दरगाह शरीफ ईदगाह मौलाना हर्षदुल कादरी हजारों लोगों की ईदगाह पहुंचकर अता की नमाज करते रहे और ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। इसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हुए सभी लोग नजर आए हैं। आपको बता दें कि देश में ईद का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, आपसी भाईचारे और अमन चैन की दुआ की जा रही। तस्वीरें आपके सामने, बहराइच में भी ईद उल अजहा की नमाज जो है वो अदा की गई है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सुबह ही ईदगाहों में मस्जिदों में पहुंचे और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल कोई भी ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई है, कोई भी हिंसक घटना सामने नहीं आई है। जो गाइडलाइंस जारी की गई थी यूपी सरकार द्वारा, उस गाइडलाइंस के तहत ही काम करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि हर जगह बहुत ही अमन और शांति के साथ जो ईद का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रतिबंध लगाए गए थे कि खुले में कुर्बानी ना हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट ना डले, सर्कुलेट ना हो फोटो, उस पर भी पैनी नजर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रतिबंधित जानवर के कटान पर भी लगातार पहले ही प्रशासन अलर्ट था कि कोई भी ऐसी कुर्बानी ना दी जाए जो कि प्रतिबंधित जानवर है। तो ऐसे में तमाम जो इमाम हैं और तमाम जो यहाँ पर मौलवी हैं वो भी कहते हुए नजर आए हैं कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके तहत ही कुर्बानी की जाए, कुर्बानी खुले में ना की जाए, आसपास किसी को परेशानी ना हो, इस तरीके से त्यौहार मनाया जाए। और ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हर जगह से नजर आ रही है। त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत लोगों को नहीं आ रही है। यानी सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, आपसी भाईचारे की तस्वीरें भी लगातार नजर आ रही है। बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ईद उल अजहा की जो नमाज है वो सुबह ही अदा कर ली गई थी। आपको बता दें कि सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ईद की चमक है, ईद की जो रौनक है, वो फीकी पड़ती हुई नजर नहीं आई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आपको नजर आ जाएंगे जो नमाज अदा करते हुए नजर आए थे। भारी भीड़ नजर आई, लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट था। जो संवेदनशील इलाके हैं, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ड्रोन के माध्यम से पैनी नजर बनी हुई थी ताकि कोई भी हिंसक तस्वीर सामने ना आए। अभी तक कोई भी घटना ऐसी उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई है। फिलहाल ईद का त्यौहार जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई खबर ऐसी सामने नहीं आ रही है। और लगातार ये अपील की जा रही है, दुआ मांग कर, कि देश में अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, किसी का भी किसी से कोई बैर ना हो, तमाम बातें यहाँ पर की जा रही हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।